सर, डाउ फ्यूचर्स पर डेफिनेटली दबाव बनते हुए दिख रहा है, 125 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं इस समय। नैसडैक फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पर इतनी भारी गिरावट नहीं है, मामूली सी गिरावट है, बट यूरोप में अब हम गिरावट बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो जहां थोड़ी देर पहले 0.5% से 1% नीचे थे यूरोप के बाजार, वहां से और फिसलते हुए दिख रहे हैं। लगभग 0.25% की गिरावट आपको यूरोप में आ रही है, बट सरप्राइजिंगली कच्चा तेल होल्ड आउट कर रहा है, सोने पर हल्का सा दबाव है। एशिया की बात करें तो हांगकांग जरूर 150 अंक फिसल कर बंद हुआ, चाइना के बाजार पॉजिटिव क्लोज हुए थे। बताएं सर, क्या करना चाहिए? ग्लोबल क्यूज थोड़े नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल दीपा, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव और इसी वजह से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है और अपने सपोर्ट रेंज की तरफ पहुंचता हुआ दिख रहा है निफ्टी। पहले मैं डेटा बता दूं आपको, 15,800 के नीचे आना निफ्टी के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। और क्यों नहीं है वो देख लीजिए, 15,800 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 57 लाख शेयर का और उसमें से 35 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो जो लोग आज पूरे दिन भर 15,800 के आसपास और उसके ऊपर टिके रहने की वजह से मजबूती का ठान कर बैठे थे, उनके लिए थोड़ा झटका है डाउ फ्यूचर से आता हुआ। और 15,800 के नीचे आपका आना ये थोड़ा ठीक नहीं है। अब बचे हुए समय के लिए 15,800-15,825 को पार करना काफी मुश्किल होगा, ऑलमोस्ट असंभव होगा, ये एक बड़ी दिक्कत है। अगला सपोर्ट इमीडिएटली जो है निफ्टी पर वो 15,700 का होगा, यानी 15,675 की रेंज में निफ्टी सपोर्ट लेगा। तो अपने सपोर्ट लेवल की तरफ बढ़ रहा है, कल भी हमने 15,725 का सपोर्ट लिया, आज भी हम उसी के आसपास 15,675-15,725 की रेंज में सपोर्ट लेंगे, वहां पर हल्की फुल्की खरीदारी या शॉर्ट कवरिंग का आप सोच सकते हैं। चूंकि ग्लोबल मार्केट साथ साथ नहीं दे रहे इसलिए आपके लिए ऊपर टिकना मुश्किल होगा। तो 1500 के आसपास आए वह अपनी लॉन्ग पोजीशन आप हल्की कर सकते हैं। तो एक बहुत क्लियर कट रेंज जो दिख रही है 50 पॉइंट की, 15,675-15,725 सपोर्ट, 15,800-15,850 रुकावट का लेवल, ये डेटा के लिहाज से क्लियर कट है। अब आइए बैंक निफ्टी, समस्या है यहाँ पर 34,900 में। कही रहा था आपको कि 3 दिन से बैंक निफ्टी ने 34,900 नहीं तोड़ा है, 34,900 तोड़ते बैंक निफ्टी के लिए थोड़ी रिस्क बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती वो देखिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है, बैंक निफ्टी पर 35,000 के लेवल पर दोनों ही ओपन इंटरेस्ट है, 35,000 पर पुट और कॉल दोनों ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। 35,000 के पुट में आज 19 लाख शेयर जुड़े थे, टोटल मिलाकर 36 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 35,000 के कॉल्स पर 26 लाख शेयर हैं, जबकि वो भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो अब आप जब 35,000 के नीचे ट्रेड करें तो यहां पर एक्चुअल बुल ट्रैप हुआ है और यहां पर बुल ट्रैप होने की वजह से अनवाइंडिंग होने की संभावना पूरी पूरी है। तो ऐसे में 35,525-35,675 इस रेंज तक बैंक निफ्टी आ सकता है, वहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी करनी है। 34,800 आखिरी उम्मीद है, 34,800 टूटा तो और गिरावट की रिस्क आपके लिए बढ़ती हुई दिखेगी। तो बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर दिख रहा है, निफ्टी कम कमजोर दिख रहा है, निफ्टी सपोर्ट जोन के नजदीक पहुंच रहा है, बैंक निफ्टी 34,800 के आखिरी सपोर्ट के नजदीक है, ये आपके लिए डेटा है जो अभी दिख रहे हैं।